सब, तो आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। हेलो गाइस, व्हाट्सअप, तो आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। ये मेरा सेकंड व्लॉग है, आई होप आपको पसंद आए। अभी हम लोग जा रहे हैं, मतलब मेरी दीदी का शादी है तो हम लोग खपोली जा रहे हैं, तो आगे जो जो होगा वो दिखाएंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब। तो अभी हम लोग सब जा रहे हैं, अभी तो मैं बहुत जल्दी जल्दी में जा रहे हैं, अभी सब लोग फ़ोन कर रहे हैं मेरे को, फटाक से मुझे जाने के है, तो आगे जो जो होगा मैं आपको बताता हूँ। तो अभी हम लोग बस में बैठ चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? हम लोग खपोली जा रहे हैं इसी के साथ। क्यों जा रहे हैं? इसके बहन की शादी है, सगे नहीं, इसके मामा के लड़की की शादी है। ऐसा क्या? हाँ ऐसा। ब्लॉग बना रहे हैं, चलो इतने टाइम बाद कब का 6 बजे का निकले थे, अभी पहुंच रहे हैं यार। ए राम, इसका जूता गायब हो गया राम का। हट, निकलना। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं। बहुत बड़ा है ये, आपुन दिख रहे हैं। वो तो आपुन दिख ही रहे, वो देख वहाँ सोने का। इसमें 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 फोटो खिंचाने का बैठे, लेकिन गीला हो गया तो ढंग से लेके चलना। सुबह आएगा ये, देखो बोझल होने वाला इंसान गाँव जा रहा है। ये कूली नंबर वन नहीं, 2 2 2 है, 1 नहीं है, 3 4 बाकी पीछे आ रहे। अभी हल्दी होगा, अभी नहीं बदलता, हल्दी होगा। उसके बाद मेहंदी होगा, इसको मेहंदी पता ना चले इसलिए पीला शर्ट। हाँ देखो छुपा रिश्ता हुए, तो क्या हुआ तेरी हल्दी करे चल झूठा। तो इधर मस्ती चालू है, क्या कर रहे हैं लोग? रनिंग रेस करेंगे, उधर से छुपे इधर आएंगे, उस झाड़ को छुपे। देखते कौन जीता है, व्हाइट वाला, ग्रीन वाला, रेड वाला, ये कौन सा कलर वाला है? छोटा बच्चा यार, दो हाथ से दौड़ते हुए राम जीतेगा। ए वो पेड़ को दे आगे, वो वाले टच कर क्या? अरे वो देख, ये कहाँ से आ गया रहा है पहले? तो हम लोग पहुंच गए, अभी हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। ये मितांशु, ये राम, ये मैं अनुराग, अभी हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ते में क्या है? पोहे, तो अभी नाश्ता करेंगे, फिर रील्स बनाएंगे, फिर फोटो खींचेंगे, फिर स्विमिंग पूल में। ए बस, रोक दे। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। चलना यूके रिजोर्ट को प्रमोशन मत करना, नहीं तो उसका प्रीमियम हो जाएगा। बाद में आके पैसा भी लेना। अभी हल्दी होएगा, हल्दी होना बाकी है। हल्दी होने के बाद हम लोग जाएंगे
स्विमिंग पूल में, स्विमिंग पूल में फिर स्विमिंग करेंगे रात में। अरे रहने भाई रहने, मेरे पास है मोबाइल पप्पा का, नहीं राम का। ये यूट्यूब देखने के लिए तो दे। अरे यूट्यूब बहुत खाते हैं। अरे यार ऐसा दोस्ती है क्या? यही दोस्ती। 5 minutes later तो अभी हम लोग देख रहे कार्टून, कार्टून का नाम है निंजा हथौड़ी हथौड़ा। ये लोग अपनी दुनिया का मन क्या कर रहे और स्कोप होगा अभी ये लड़का जा रहा है ठूसने। तो अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने और आगे और ये हमारा भाई है। हाँ हमारी टीम को नए बंदे ने ज्वाइन कर लिया, नाम है सुनील गुप्ता नाम बोल दिया इसने। उधर दो बंदे उधर हैं, क्या मालूम कौन लोग हैं, मस्ती कर रहे हैं सिटी के साथ। इसे बदनामी नहीं, इसे अरे तेरा उठा लिया पानी इसने, वो मैंने लाया था सामने, उसने तेरा जी और नेहा हमारी ये बिटिया एक अच्छे से जीवन की शुरुआत करने के तरफ अग्रसर है। सभी लोगों को इन बच्चों को आशीर्वचन की आवश्यकता है और इस मधुर बेला पे जो हल्दी समारंभ का कार्यक्रम शुरुआत हो चुका है, प्रेरणा स्रोत हम लोगों के संरक्षक कहे जाते हैं बहुत ही सौम्य दिल के धनी आप आदरणीय मेरे बड़े भैया मदन लाल गुप्ता जी, आपके एक जोरदार तालियों से हमारे वर वचन को वर वधु को आशीर्वाद देने की कृपा करें। आज लगता है कि पूरी जौनपुर की मिट्टी है आ गई ना प्रवेश भैया, ऐसा रस्मा हर जगह हो इलाज पूरा दिल फिल गए कि जौनपुर की मिट्टी कर गया। आज पूरे मुंबई में महक रहा है खपोली का मैदान, बहुत बढ़िया लग रहा है। मदन लाल जी बैठे हुए, मदन गुप्ता जी, मुरारी गुप्ता जी और हम सबके भीष्म पिता कहे जाते हैं गुप्ता समाज के आप हजारी लाल गुप्ता जी, बहुत सौभाग्य है और बहुत खुशी का माहौल बनते जा रहा है। तो अभी उधर हो रहा है हल्दी और हम लोग यहाँ पर आए थोड़ा, अरे जाना मंगता था ये क्या बोलते शूटिंग का दीवाना, फोटो शूट का दीवाना हम तो गाने का आवाज आ रहा है। Ready?
फोटो शूट है जाने को उधर बहुत जोरों शोरों से प्रैक्टिस चालू है डांस का। अरे झिंगा सॉन्ग तो आएगा। अरे सॉन्ग तो क्या हुआ? अरे कुछ नहीं होता है यार। जनक जी का दरबार और दशरथ जी का आगमन सामने बैठे हुए हैं। रोहित जी राम हमारी निकला सीता तो दोनों लोग यहाँ पदार्थों के उदार तालियों से आए नौ दंपत्ति का स्वागत ऐसा करिए। और ये अंकल मानते हुए हमारा डीजे वाला सॉन्ग बजाएंगे हम घसक 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 अंकल अंकल मान गए अंकल मान चुके हैं और ये हमारी पूरी पलटन आ चुकी है झिंगाट करने के लिए। प्लीज शेयर का अरेंजमेंट कीजिए। आ गया चल आ गया।
इधर आया था, आया था अंकित आया था। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठो बैठो। ओके, तो गेम स्टार्ट होने से पहले हम आपको गेम बताते हैं ये गेम कौन सा। ये गेम का नाम है शू गेम। इसमें हम इनकी कंपेटिबिलिटी टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि हम ये दोनों एक दूसरे को कितना जाने पहचाने। अरे हेमा, 12 December 2020 को इनकी फर्स्ट मीट थी, राइट? वो डेट कैसे भूल सकते हैं? यस, इट्स ऑलमोस्ट एन ईयर। तो देखते हैं इन एक सालों में ये एक दूसरे को कितना जानते और समझते हैं। सर, यस, लेट्स बिगिन द गेम। ये गेम में सबसे पहले तो आप दोनों को आपके सैंडल निकालना है। सैंडल निकाल दीजिए, प्लीज रिमूव कर। थैंक यू। अरे आगे जाके आपको अपना शूज ऊपर करना है। ओके, क्लियर? क्लियर। एंड ऑडियंस, आप लोग भी इनकी हेल्प नहीं करेंगे। ओके, नो चीटिंग। आप दोनों पीछे मुड़कर नहीं देख सकते हो, बातें नहीं कर सकते हो। आर यू गाइस रेडी? यस यस। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आप दोनों में से कौन सबसे ज्यादा सोता है? सेकेंड क्वेश्चन, आप दोनों में से रोमांटिक कौन है ज्यादा? एंड द थर्ड, आप दोनों में से आपके रिलेशनशिप के लिए सबसे पहला स्टेप किसने लिया था? और भाई हाँ, आप दोनों में से सबसे ज्यादा सोशल मीडिया कौन यूज करता है? एंड द सिक्स्थ वन, आप दोनों में से सबसे पहले आई लव यू किसने कहा था? Who is more understanding? आप दोनों में से एक रूठता है तो सबसे पहले मनाने की पहल किसकी होती है? आप दोनों में से फूडी कौन है? और आप दोनों में से बेटर प्लान्स और सरप्राइजेस कौन बनाता है? हु इज अ क्राय बेबी? एंड हु इज ऑलवेज लेट ऑन योर स्पेसिफिक मीट? गो। हु फ्रेट्स द मोस्ट? And who is good with saving money? आप दोनों में से सबसे ज्यादा ट्रैवलिंग करना किसे पसंद है? आप दोनों में से सबसे अच्छी चॉइसेस किसकी होती है? आप दोनों में से सबसे ज्यादा पॉजिटिव कौन है? लास्ट था ना, एक क्वेश्चन छूटे हैं। आप दोनों में से सबसे ज्यादा गुस्सा किसे आता है? ओके ओके ओके। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन में आप दोनों सिमिलर थे एंड कुछ क्वेश्चन में एक दूसरे के अपोजिट थे, बट कोई नहीं, लाइफ की जर्नी तो चल। मैं परिवार के लोगों को बुलाऊंगा। श्याम नारायण गुप्ता जी अगर कहीं हो, देवी चरण गुप्ता जी, महेंद्र गुप्ता जी, जो भी लोग हैं, मैं ये माइक थोड़ा क्यों
बड़े भैया को देता हूँ, आप जिनको बुलाना है बुला लीजिए। आशीर्वचन स्वरूप इस परिवार को इकट्ठा करने को मुझे भी खुशी होती है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और हम सभी लोगों को आज बच्चे ने जो यहाँ पे कार्यक्रम किया वह सभी लोग बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद धन्यवाद। वाह क्या बात है। सम्मानी समाज के स्वजनों और इस समाज से आस्था रखने वाले मित्रों, मैं सबसे पहले मेरे समाज के अग्रज जिनको मैं बड़े दिल से मानता हूं, मैं ही नहीं समस्त समाज पूरा भारत मानता है, मैं ऐसे विलास रिमकर जी को मंच पे बुलाना चाहूंगा कि आप आए और आपके आगमन होते हुए जरा जोरदार तालियों से मित्रों जो कि आपका स्वागत। बहुत बड़ी बातें हुई, संयुक्त परिवार की बातें हुई और बात तो होनी ही चाहिए मित्रों। बहुत कटुता होती है, हम लोग तो सही में अपने समाज में संयुक्त परिवार की अगर कोई बात आती। दोस्तों मित्रों और हमारे रिश्तेदार, हम लोग के कार्यक्रम में आज आप लोग इतनी दूरी दूरी से आए, इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार मानता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। उपदेश भी देते हैं इसलिए मैं इनको, अगर आप लोग गौर से देखे होंगे तो काफी परिवर्तन नजर आता होगा। और अभी हम लोग मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, और इसलिए हम सभी को इनको बात करते हुए डर लगता है, मैं भी कम बात करता हूँ क्योंकि सुनते कम है और उपदेश देते हैं ज्यादा। लेकिन वाकई जो उपदेश देते हैं आज इनके समक्ष दिख रहा है, मैं चाहूंगा कि दो शब्द आप भी अपने बयां करें। सम्माननीय बालचंद गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपका प्रेम है। अभी कल शादी है, ठीक है दो चीज। अभी हम लोग का सब खाना वीना सब खा के हो गया है, अभी हम लोग जाएंगे सोएंगे और क्या करेंगे, हाँ सोएंगे, रात को सोते ही है। फिर बाद में उसका अभी ये ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, अगर ऐसा लेके जाएंगे तो बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा, तो कल सुबह एक नया ब्लॉग आएगा अलग, हाँ अलग से एक नया मतलब आएगा कल, हाँ मतलब आज के दिन का फिर कल के दिन का पूरा ब्लॉग ऐसा आएगा। पार्ट टू यूके, हम लोग लंदन में वैसे रिजॉर्ट का हम कुछ बुराई भी बताएंगे, हाँ थोड़ी बहुत बुराई भी निकालनी पड़ेगी, ज्यादा तारीफ करेंगे तो सब इधर ही आने लगेंगे। सेकंड ब्लॉग में हम लोग इसकी बुराई करेंगे सच में, इसका बेइज्जती करके लेंगे। तो ये ब्लॉग करते हैं यहीं खत्म।